हम लगातार कन्याकुमारी से लेकर के राहुल गांधी की इस भारत यात्रा की कवरेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी सारी भीड़ जो राहुल गांधी को सुनने के लिए आती है, इतनी सारी भीड़ जो दिन भर राहुल गांधी के साथ चलती है, आखिरकार उसके मन में क्या है, ये टटोल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में हमारे साथी हैं, राजीवन इनका नाम है, और ये ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। हिंदी ये समझते हैं, मलयालम ये समझते हैं, ये ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो राजीवन, हम लोगों से पूछेंगे कि वो आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, इनसे पूछिए, आप यहाँ आ रहे हैं तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों यहाँ पर आप आ रहे हैं उनको सुनने के लिए? राजीव गांधी बंदो का तांगल इवे तांगल के राजीव गांधी कुछ राजीव गांधी का ये यात्रा, राहुल गांधी का ये यात्रा इधे विजयचु जनमेटू രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ത് മുദ്രാവാക്യമാണോ ഈ ജാഥയിലൂടെ ഉയർത്തിയത് അത് ജനം ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ തിരക്ക് ഈ ഭീഡ് जो राहुल गांधी आज इधर आया, जो ये भीड़ उसका ये यात्रा सक्सेस के बारे में कहता है, वो सक्सेस हो गया, इतना जास्ती भीड़ है ना इधर, इसलिए वो बोलते हैं वो इतना जास्ती भीड़। क्यों आ रहे हैं सुनने के लिए, क्या ऐसा लगता है राहुल गांधी में जो आप उसको सुनने के लिए आ रहे हैं? രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താണെന്ന് എന്താണ് പറയണതെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇത് ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ രാഷ്ട്രം, ഇതിനെ ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഇത് ഭിന്നിപ്പിച്ചു പോകുന്നു, ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ജാഥ. ഓക്കെ, ये अलग अलग की तरह इधर से वो लड़ाते नहीं इधर लड़ाते हैं। हाँ, जो लोग हाँ, उन लोगों को एक एक, एक एक साथ करने के लिए हाँ, राहुल गांधी का ये यात्रा एक क्या है, ये मैसेज देता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो लोग लड़ाने का काम करते हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा से संदेश लेकर क्या आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? थॉमस। तो क्यों आप आ रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, क्या ऐसा लगता है? राहुल गांधी की यात्रा ഇന്ത്യക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്, വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് തരുന്നത്. ഇവിടെ ജാതീയമായ രീതിയിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ വളരെ സങ്കുചിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അവരുടെ കുടുംബം ഈ ലോകത്തോട്, ഈ ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തോട് ചെയ്ത വളരെ നല്ല ഒരു സമീപനമുണ്ട്. അവർ ജീവൻ തന്നെ അവരെ അമ്മയുടെയും ജീവൻ തന്നെ രാജ്യത്തിനോട് വിലയിരിച്ചതാണ്. वो पहले वो आदमी बोल दिया ना, उसी तरह भी ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या कहा बताइए? वो पीपल को डिवाइड करते हैं, दूसरे वो राष्ट्रीय पार्टी ने भिन्न ये दूसरे ऐसा अलग करते हैं ना, ये उसका ये राहुल गांधी का संदेश वो जोड़ने का काम करता है। पीपल ये कह रहे कि थॉमस जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो लोगों को अलग अलग बांटने का, तोड़ने का काम कर रही है, राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसी तरह से कुछ लोगों से यहाँ से जो है वो पूछ करके निकलवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम थोड़ा आगे चलेंगे और वहाँ पर लोगों का क्या कुछ समझ है, लोग क्यों आ रहे हैं, ये मेरे जानने का जो है वो कोशिश है, और मैं अलग अलग धर्म लोगों से जो है मैं आपकी बात कराऊंगा। हाँ, इधर कम प्लीज साइड, ए जस्ट ओके, यू कम यस साइड, यू आर, आप लोग राहुल गांधी को यहाँ पर सुनने के लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बोले രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ, ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്നായി കാണാൻ ഏക മനുഷ്യൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്, നെഹ്റുവിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കള്ളനല്ല, കൊള്ളക്കാരനല്ല, അദ്ദേഹം ഈ നാടിനെ ഒന്നായി കാണുന്നയാണ്. ജാതിയില്ല, മതമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. സംസാർക്കോ സബ് സംസാർക്കോ ഏകീ തരക്കി छोड़ने के लिए उसका वो संदेश लोगों को देना है, बस ये कहता है वो। तो बेसिकली केरला के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो लोगों को हिंदू मुस्लिम करके तोड़ने का काम कर रही है, राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये केरल के लोग कह रहे हैं। हाँ, नेहरू का फैमिली, हाँ, इसका दिल, नेहरू का फैमिली का दिल करते केरला में, हाँ, इसलिए ये
ये क्या है, ये इंडिया में एक दिन आए खाने के लिए एक नेहरू फैमिली बस है, दूसरा फैमिली नहीं है। इसलिए ये केरला आदमी पूरा नेहरू फैमिली का पीछे। आप कह रहे हैं कि केरला का जो आदमी है वो नेहरू फैमिली को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करते हैं, दिल करता है, दिल से ये करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर आप बात करिए यूपी बिहार या और दूसरे राज्यों में, गुजरात हिमाचल, वहाँ पर जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो कहा जाता है कि राहुल गांधी या नेहरू परिवार जो है वो देश को लूट गया, देश को बर्बाद कर दिया। इसका यूपी का दूसरा जगह स्टेट में का अलग है। हाँ। क्यों केरला में पूरा आदमी पढ़ता है, किस तरह पढ़ता है ये, अभी दूसरा जगह में किस तरह नहीं पढ़ता है, नेहरू फैमिली का किस तरह नहीं पढ़ता है, नेहरू फैमिली का किस तरह पढ़ता है, बहुत इधर 100% के 90% आदमी नेहरू फैमिली के किस तरह पढ़ता है, किस तरह दिल करता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि आप यूपी की बात करिए या और दूसरे हिंदी भाषी राज्यों की बात करिए तो वहाँ का जो साक्षरता दर है, पढ़ाई की जो दर है वो कम है, केरल में पढ़ाई की दर ज़्यादा है, लोग समझते हैं, पढ़ते हैं और इसीलिए जो है वो राहुल गांधी को, नेहरू परिवार को वो प्यार करते हैं, वो इस बात को जो है ये कह रहे हैं। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? पीए गुंजमोहन है, पायलटिकर केरला कांग्रेस पायलटिकर कोऑर्डिनेटर। ओके, तो देखिए मैं कुछ लोगों से, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? बोलिए। नाम क्या है? छोटू कुमार। छोटू कुमार कहाँ के हैं? बिहार का। बिहार के हैं, यहाँ पर रहते हैं? हाँ। कितने टाइम से यहाँ पर रहते हैं? 6 महीना हैं? 6 माह 6 महीने। क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? अच्छा सोचते हैं। कैसा आदमी है राहुल गांधी, क्या सोचते हैं? बढ़िया आदमी है राहुल। मोदी जी बढ़िया है कि राहुल जी बढ़िया है, कौन ज्यादा बढ़िया लगता है? मोदी जी भी बढ़िया है। मोदी जी 4 साल अच्छा नहीं है, मोदी जी 4 साल आर्मी का नौकरी कर दिया इसलिए हम लोग चलाए, इंटर पास है लेकिन चलाए इधर कमाने के लिए। देख रहे हैं अग्निवीर का दर्द कहां तक पहुंचा है और सरकार जो है वो अग्निवीर को कैसे ठंडे बस्ते में डाल गई वो भी पूरे देश को मालूम है, लेकिन बिहार का युवा वो केरल में खड़ा होकर के कह रहा है कि इंटर पास है, अग्निवीर करके 4 साल कर दिया है, उससे परेशान है। आप इधर केरला से हैं, क्यों आप लोग आ रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए? थोड़ा हिंदी आप लोगों को बताइए, ये लोग क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए? राहुल गांधी ने कहकर वेंडी നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേ? രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നു. इंडिया का एक्सपेक्टेशन राहुल गांधी है, इसके लिए वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये आदमी लोग पूरा इधर आ गया, ऐसा बोल रहे हो? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश का भविष्य है, इंडिया का एक्सपेक्टेशन है। हाँ, उम्मीद है वही होप है। हाँ, बहुत होप है। अच्छा, ये इतना लोगों को लाया जा रहा है, ये इतने लोग आ रहे हैं सुनने के लिए राहुल गांधी को, क्या लोग अपने से आ रहे हैं या कोई पार्टी लेकर के आ रही है या कुछ पैसा दिया जा रहा है? पूछिए। ഇപ്പൊ എത്ര അധികം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ല, ഇത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ പാർട്ടി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇനി കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെ അവഗണിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അതല്ല നല്ലതെന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ വരെ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. अभी क्या बोल रहे हैं वो? कांग्रेस पार्टी के लिए विश्वास के लिए, विश्वास में पहले भी था अभी भी है, इसके लिए राहुल गांधी के सपोर्ट करने इधर आया. पहले थोड़ा ये हो गया, वो कांग्रेस के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए अभी पूरा आदमी लोग समझ के कांग्रेस के पीछे आ रहे हैं पूरा आदमी लोग, ऐसा बोल रहे हैं वो. थोड़ा इधर आप आइए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंटोनी. एंटोनी क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? अच्छा लगता है. अच्छा सर. क्या अच्छा है? ओ मैक्सिमम एक आदमी इतने बड़ा आदमी नीचे आया, बहुत नीचे हो गया, बहुत बड़ा फैमिली वाला आदमी है, वो बहुत नीचे में आदमी है, सेम ब्लड है ऐसा.
प्यार करते हैं, जैसे बिहेव करते प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपके लिए, वो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो गांधी परिवार से आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सामान्य व्यक्ति की तरह से जो है वो हमारे तरीके से ही दिखते हैं और हमारे जैसे ही व्यवहार करते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। लेकिन बार बार राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो तो मुंह के अंदर सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरे आदमी को, अगर गरीब आदमी का बेटा अगर एक कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या? ये एक सवाल पूछा जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? पूछो അവര് ചോദിക്കുന്നെന്താ വെച്ചാലേ, ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണ്, അപ്പൊ എന്നിട്ടും ആളെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെത്ര നിർബന്ധം? മോഡി ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അയാൾ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നാളെ? പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ, തനിക്ക് മലയാളം രാജീവ് ഗാന്ധി गांधी के फैमिली है, फैमिली है इतना ताल मैक्सिमम नीचे आदमी लोग को प्यार करते हैं। वो कल से एक छोटा का चप्पल है ना, वो थोड़ा हेल्प किया, वो बहुत लाइक मिला। ठीक है, उनके पास इस सवाल का उत्तर नहीं, आप देना चाहेंगे सवाल का उत्तर, आप बताइए क्या बोलना है। क्या कि गांधी परिवार से राहुल गांधी आते हैं, उनके दादा उनके नाना जो है वो प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही, फिर अब वो प्रधानमंत्री बने, तो क्यों एक जो है अगर कोई चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन रहा है तो उससे दिक्कत क्या है, ये बीजेपी की तरफ से पूछा जाता है? ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी राहुल गांधी आ गया तो अभी कांग्रेस पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग बहुत पॉलिटिशियंस बहुत हो गया, अभी नेता वाला बहुत हो गया, इसके लिए कंट्रोल करने वाला बहुत साल से ऐसा ही हो रहा है, एक सिस्टम बराबर है ना, आपको भी मालूम है। वो गांधी फैमिली से एक एक आदमी बड़ा करके आ रहे हैं, बट इधर क्या होता है, इधर बीजेपी के वास्ते बोलेगे तो इधर ये लोग अभी स्प्लिट करके कुछ हो गया। नहीं, नहीं, मोदी और राहुल का अगर कंपेरिजन अगर हम कर रहे हैं तो बीजेपी ये कहती है कि एक तरफ जो है वो राहुल गांधी है जो गांधी परिवार से आते हैं, जिनके दादा परिवार में जो है प्रधानमंत्री रहे कई, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो चाय बेचते थे, एक सामान्य आदमी गए हैं, तो सामान्य आदमी अगर प्रधानमंत्री बने तो दिक्कत क्या है? नहीं, चाय बनते पुराना स्टोरी है ना, अभी मोदी कौन है? अभी बहुत बड़ा आदमी है ना, बराबर है ना, अभी बहुत बड़ा हो गया ना, पुराना चाय बनाया बराबर है, बट अभी वो एक नेशन का प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसका उसे सपोर्ट 13 साल पहले मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री वो 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री था बराबर है ना, उसके वास्ते वो स्ट्रांग होके इधर सेंटर में वो लोग बीजेपी डाल दिया, वो लोग एक अच्छा लीडर हो गया, इसके लिए वो आ गया, वो बराबर है, ठीक करता हूँ, बट इधर अपोजिशन होना ही चाहिए, बट कॉर्पोरेट वालों को भी बहुत सपोर्ट करने का एक सिस्टम भी बनाया है, अभी चालू हो गया, अभी 5 साल से चालू हो गया, वो भी रुकने का है हमको। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने सवाल पूछा था और टटोलने की कोशिश थी, और जो सवाल मैंने पूछा शायद उसका सही उत्तर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि व्यक्ति से व्यक्ति की कंपटीशन नहीं है, विचार से विचार का कंपटीशन है, और विचार से विचार का कंपटीशन ये है कि राहुल गांधी के विचार क्या हैं, मोदी जी के विचार क्या हैं, और दोनों के विचार में कौन ठीक है। अगर गरीब और अमीर से ही जो है वो तय होता है तो फिर आप किसी राह चलते व्यक्ति को या बेरोजगार व्यक्ति को उठा करके देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्या फिर वो देश के लिए अच्छा कर पाएंगे? इसीलिए जो बहस खड़ी की जाती है, और मैं यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे इसीलिए टटोल करके निकलवाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये पता चल सके कि उत्तर भारत में लगातार हम देखते हैं खूब जमीनी सर्वे वहाँ पर करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जब हम आते हैं, यहाँ पर जब हम जमीनी सर्वे करते हैं, तो यहाँ के लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर, उनकी सोच के अंदर वो कितना जो है वो अलग अलग है, वो टटोलने की कोशिश थी। तो बहरहाल बहुत कमी बहुत जो है सीमित संसाधनों के बीच में जो है वो आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से लोगों की सोच विचार, लोगों की आगे के बारे में जो उनकी जो सोच बनी हुई है या वो किसको सोचते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें टटोल करके, निकाल करके, खंगाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप लोगों तक पहुंचाइए, इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर